हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह मैं ब्रश कर रहा हूँ और छत पे हूँ। सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। सो अभी मैं उठ के जस्ट फ्रेश होके ब्रश लेके छत पे आ गया हूँ और छत पे अपना ब्रश कर रहा हूँ। और देख सकते हो कैसे धूप हो गया है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं घर पे रहता हूँ तो कैसे अपना वर्कआउट करता हूँ, मेरा उसका जुगाड़ क्या क्या रखा हूँ मैं। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये हमारा डंबल, इससे डंबल मारता हूँ मैं। और ये है पुशअप स्टैंड। सो ये दो चीज़ें हैं और बेंच भी है, बट बेंच यहाँ पे अभी रखा नहीं हूँ। और ये देखो क्या क्या रखा है, लकड़ी है इधर, ये सब छत के ऊपर। ये क्या है आप देख सकते हो, जिनको पता है ये क्या है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि ये क्या है, क्योंकि हमारे तरफ तो इसको खाजा बोलते हैं। मतलब इसको आप उठाओगे ना तो इसके अंदर खाने की चीज़ है, खाजा है, मतलब इसमें से काटना पड़ेगा। जैसे कि ये है छोटा सा, इसको बीच से काटने से अंदर का एक जो खाने का मतलब कि रहता है वाइट कलर का, खाजा जिसको बोलते हैं, तो रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और प्रोटीन भी रहता है समझ लेते हैं उसे। तो ये इतना सारा है, बाप रे। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है, आप लोगों के लैंग्वेज में, आप लोगों के भाषा में, आप लोगों के जहाँ पे रहते हो आप लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं इसको। देख सकते हो ये इस तरह से है, ऐसा रहता है। सो ये, सो गाइस, ये था खाजा जिसको खाते हैं काट के। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ बताना कि आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग कहाँ से मतलब कमेंट कर रहे हैं, ये भी ज़रूर लिखना है कि हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे तरफ इसको बोलते हैं खाजा। मतलब पहले ये इसमें से एक जूस टाइप का निकलता है, फिर उसको जब वो सूख जाता है बिल्कुल काफ़ी दिनों के बाद, ज़मीन में रखने के बाद, इसको ज़मीन में रखते हैं, उसके बाद हो जाता है ये खाजा। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रश, ब्रश कम्प्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा नीचे और नाश्ता वास्ता करूँगा या फिर नहाऊँगा। सो चलो मैं पहले ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, ये तो खाजा हो गया, बट इसके पहले मैं जब आया था ना घर पे लास्ट टाइम, आई थिंक 9-10 महीना पहले, तो उस टाइम मैं एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाया था, मतलब ख़रीद के लेके आया था स्ट्रॉबेरी का पौधा, और उसको मैंने गमले में लगाया था, छत के ऊपर ही रखा था। पता नहीं वो है कि नहीं है, वो देखते हैं किधर है। तो शायद हमको लगता नहीं कि होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि उसको काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं प्लांट वो है कि नहीं स्ट्रॉबेरी का। सो ये देख सकते हो कितना सारा खाजा है, इतना सारा है। और अभी प्लांट जो है, ये देखो क्या प्लांट लगा हुआ है, कुछ तो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट इधर आई थिंक उधर रखा था, उस एरिया में रखा था मैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट, बट वहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है हमको। ये कोने में क्या है, ये सर नहीं है, नहीं है, मुझे लगता है वो ख़राब हो गया, तो उन लोगों ने, घर वालों ने फेंक दिया। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का प्लांट नहीं है, जो भी है यही है, और ये पता नहीं किस चीज़ का है। तो स्ट्रॉबेरी का तो ख़त्म हो गया शायद, नहीं है, वो मिलने वाला भी नहीं है, हमको लग रहा है वो लोग कहीं फेंक दिया, सूख गया होगा तो वो लोग फेंक दिया। और ये देखो, ये जो वो जो खाजा था, उसको खाजा काटने के बाद यहाँ से निकलता है वाइट वाइट खाने खाने वाला, यहाँ इसके अंदर से निकलता है, और इसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है। तो ये काटने के बाद फिर इसको सुखाया जाता है, ऐसे छत पे रखा हुआ है सूखने के लिए, ये जल भी सकता है चूल्हे में। तो ये देख सकते हो, ये खाजा काटने के बाद ऐसा रहता है, इसके अंदर का निकल गया है पूरा, और इसको सूखने के लिए छत पे रखा गया है। कितना सारा है समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा है। और ये पता नहीं किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा। और ये तो मैं काफ़ी दिन पहले लगाया था, 4-5 साल पहले, तो ये अभी भी सही सलामत है। और ये एलोवेरा है, और इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा हमको, ये पता नहीं क्या है, किस चीज़ का आइडिया नहीं आ रहा हमको। ये तो कोई फूल है,
सो गाइस, जो मैं प्लांट लगाया था वो तो नहीं मिला, मुझे लगता है सूख गया, तो घर वालों ने फेंक दिया होगा, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि उसको संभालने के लिए आदमी रखना पड़ता है, मतलब आदमी नहीं बट आपको प्रॉपर देखना पड़ता है। तो मैं उसको लेके आया था तो मैं ही देखूंगा, सो मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, तो इसके लिए शायद सूख गया होगा तो फेंक दिया होगा घर वालों ने। और बाकी छत पे काफ़ी धूप है, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है और 10 बज रहे हैं, तो छत पे मैं बस ऐसे ही आया था अपना, जो भी है देखने के लिए प्लांट है कि नहीं, क्या क्या है। सो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे और काफ़ी धूप लग रहा है हमको, तो चलते हैं नीचे। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ नीचे रूम में और जस्ट लेटा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। और जो दवा है जो कि डॉक्टर बत्रा से मिला है हमको हेयर के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मैं डॉक्टर बत्रा का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ हेयर के लिए, तो ये खाया हूँ जस्ट अभी मैं इसमें से। और एक ये है, ये भी खाऊंगा, तो ये चल रहा है। और ये देखो मेरी बेड की हालत, जो मेरी बेड की हालत है वो देख सकते हो, दवा है, पेपर है, बुक है, पता नहीं क्या क्या है भरा हुआ है। अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, थोड़ा मैच आ रहा है वर्ल्ड कप का, तो अभी वही मैं मैच देख रहा था। सो गाइस, ये देखो मेरी जो बेड है जिस पे मैं सोता हूँ उसकी हालत देखो किस तरह से हुआ है, इधर पेपर है, दवा है, बुक है, क्या क्या है। सो ये सब है और मैं जस्ट थोड़ा सा टीवी देख रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ वगैरह थोड़ा वो देखता हूँ मैं। सो ये है हालत बेड का, मैं इसी पे सोता हूँ, और पूरा जो सामान है जो लेके आया था मैं वैसे बिखरा पड़ा है, दवा, पेपर, बुक, पता नहीं क्या क्या है, जो भी है सब इधर ही है। वैसे मैं ज़्यादातर टीवी देखता नहीं, बट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। सो अभी तो नहीं आ रहा बट 12:30 बजे से आएगा, तो मैं जस्ट लेटा हूँ तो देख रहा हूँ मैच और थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ। एक बचा हुआ ये वाला खा लेता हूँ और उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि इसको इसको खाने का टाइम आपको हाफ एन आवर कुछ नहीं खाना है, मतलब खाना नहीं खाना है, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, खाने के 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा बाद आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब ये अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। सो इसके लिए मैं इसको सोच समझ के खाना पड़ता है, टाइम देख के खाना पड़ता है। सो चलो मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइस, अभी जस्ट खाना खाया मैं, खाना वाना खा के जस्ट टीवी देख रहा हूँ क्योंकि अभी मैच आ रहा है लाइव अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच, ये देख सकते हो मैच आ रहा है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान अभी खेल रहा है, सॉरी अफगानिस्तान फील्डिंग कर रहा है और श्रीलंका खेल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस से छत के ऊपर, अभी मैं नीचे ही था और देख रहा था मैच जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच हो रहा है, तो मैं 10-15 मिनट ही देखा, उसके बाद मैं अभी वापस से ऊपर आ गया। और मैं अभी खा रहा हूँ ये देखो चना और भूजा, देख सकते हो। सो ये मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो देखी गई है अभी, तो मैं इसको खा रहा हूँ। मैं जो है भूजा वगैरह खा लिया है, ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करके अभी थोड़ा सा टहलूँगा, और ये हमारा डंबल और स्टेन। सो थोड़ा अंधेरा होने के बाद वर्कआउट चालू होगा, और उसके बाद अभी अंधेरा हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद शाम हो गया है, सो अभी मैं थोड़ा सा टहलूँगा छत के ऊपर, और उसके बाद फिर शाम होगा तो वर्कआउट करेंगे आराम से मस्त। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।